हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज तारीख है 24 अप्रैल और आज मैंने ये तीन ट्रेड एग्जीक्यूट किए हुए थे और अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ काम चल रहा था तो उसके कारण भी मेरे को आज रिकॉर्डिंग करना जमा नहीं, लाइव रिकॉर्डिंग। तो अभी मार्केट बंद हो गया है और ये ट्रेड्स जो मैंने लिए हुए हैं इनके पीछे का क्या लॉजिक था, क्या सेटअप बन गया था, वो हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसीसी के साथ ऑर्डर्स में चेक करते हैं कि एसीसी कब एग्जीक्यूट किया। तो एसीसी मैंने 1221 के आसपास इसको सेल किया हुआ था, उसके पीछे का कारण हम लोग देख लेते हैं। तो मैं जब मार्केट में आया तो मैंने ये देखा कि ये ट्रेंड लाइन इसमें बन गई थी और यहाँ से ये नीचे आ गया इस कैंडल के आसपास। तो मैंने चेक किया कि अगर मैं इस ट्रेड में 1121 के आसपास अगर रहता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री कर लेता 1165 के आसपास, और अभी भी प्राइस उसी के आसपास है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको एंट्री कर दी। इट वॉज माई मिस्टेक, आई शुड हैव वेट फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज, बट ठीक है, सेटअप सही था, ट्रेड भी सही था। ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो जैसे ओपन हुआ ये नीचे नीचे आ रहा था, डाउन ट्रेंड था इसका, यहाँ पे ये प्रॉपर सेटअप बन गया था, प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी। जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका वॉल्यूम भी सही था, उसका लो भी नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया और हम लोगों ने जैसे एग्जीक्यूट किया इसको सेल किया। अनफॉर्चुनेटली आगे के जो कैंडल्स आ गए, ये दो कैंडल्स, उसमें हमारा एसएल हिट हो गया। मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास था, मतलब 1172.5 के आसपास, और यहाँ से हम लोग निकल गए। इसमें ये एक टिपिकल स्टॉप लॉस था, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। बट यस, इसके पीछे का कारण एक है, ये जो टाइम है आप देख सकते हो 12 12:30 के आसपास का। तो अगर हम लोग निफ्टी के पास आते हैं तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि 12 12:30 के आसपास मार्केट अच्छे खासे तरीके से ऊपर जा रहा था। निफ्टी जैसे ऊपर जा रहा था, तो अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी एसीसी उसको सपोर्ट करेगा और वो भी ऊपर जाएगा, और उसने हमारा एसएल हिट कर दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले सेटअप के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट जो ट्रेड हमारा था वो हम लोग देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूली। ऑर्डर्स में चेक कर लेते हैं आईसीआईसीआई प्रूली जो है, आईसीआईसीआई प्रूली 1248 के आसपास मैंने लिया। आइए देखते हैं क्या सेटअप था इसमें। 1248 मतलब यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ। ऐसी आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को, ये जो कैंडल है 1245 वाले ने इसको ब्रेक कर दिया, और जैसे ही इसका लो ब्रेक होते हुए दिखा मेरे को, मैंने इन लिमिट ऑर्डर डाली हुई थी और वो मेरी एग्जीक्यूट हो गई। इसमें अराउंड 338 के आसपास की मेरी ऑर्डर थी, मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर था 344 के आसपास। और आप देख सकते हो कि जिस कैंडल ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की वहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया हुआ था, और इस स्टॉक का अगर हम लोग ट्रेंड देखते हैं तो कंप्लीट डाउन ट्रेंड था। ओके, फिर यहाँ से ये स्टॉक मस्त चल गया और हमारा यहाँ पे अराउंड प्रॉफिट हो गया 133 के आसपास। मैंने इसमें एग्जिट किया अराउंड 334 के आसपास, मतलब यहाँ पे कहीं पे। तो अगर मैं रुकता इसमें और मेरे को 4-5 पॉइंट मिल जाते, इसका टोटल जो प्रॉफिट है वो अराउंड 250 के आसपास भी चला जाता, बट दैट इज़ फाइन। मेरी रिस्क 100 रुपीज़ के आसपास थी और मेरे को ऊपर से 100 रुपीज़ तो मिल गए और ऊपर से और 33 रुपीज़ मिल गए, दैट इज़ फाइन। ऑल्सो ये स्टॉक है 3 रुपये का, और 3 रुपये के स्टॉक में हम लोगों ने मोर देन 5 पॉइंट्स कैप्चर किए हुए हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। और एक बार अगर हम लोगों को आदत लग गई कि ऐसे बड़े मूव्स अगर ऐसे हम लोगों ने एज्यूम किया, नहीं 300 वाला स्टॉक भी हमें 10-10 पॉइंट्स देता है, 20-20 पॉइंट्स देता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि मोस्टली हम लोग हमारा एसएल हिट करवा देते हैं, लॉस हो जाता है, और छोटे छोटे लॉसेस करके हमारा पूरा जो कैपिटल है पूरा खत्म हो जाता है। तो इट्स बेटर जो मिला वो ले लो और निकल जाओ। आगे का ट्रेड है हमारा इंडिगो का।
इंडिगो हम लोग एक बार चेक कर लेते ऑर्डर्स में जाके। इंडिगो की ऑर्डर मैंने प्लेस की हुई थी अराउंड 1243 के आसपास। 1243 मतलब यहाँ पे, ओके यहाँ पे सेटअप आप अगर देखोगे, मैंने ऐसी ट्रेन लाइन ड्रॉ की हुई थी। ये ट्रेन लाइन ब्रेक जब हुई 1242 वाले कैंडल ने ऐसे ब्रेक किया इसको, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी आ गया है, आप देख सकते हो। ओवरऑल ट्रेंड जो है स्टॉक का वो नीचे का एक तरफ ही जा रहा था, दैट इज नेगेटिव ट्रेंड था। और जैसे मैंने यहाँ पे इसमें एंटर लिया, मैंने इसमें भी जल्दी एग्जिट किया अराउंड 891 के आसपास कहीं पे, तो मैंने यहाँ से एग्जिट किया। इसमें भी फाइन, मेरी जो एक्चुअली इसमें हुआ ऐसा कि जब मैंने यहाँ से एग्जिट करना चालू किया, मतलब मैं कवर ऑर्डर थी तो एग्जिट कर रहा था, तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास दिख रहा था, बट वो क्लोज होते होते 76 में चला गया। दैट इज फाइन, ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में चले गए, तो दैट इज गुड थिंग। तो ये थे मेरे आज के ट्रेड सेटअप। मैं मेरा दूसरा भी अकाउंट इंटेंशनली दिखा रहा हूँ, उसमें मैंने आज कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया। ये हम लोग आ गए हैं दूसरे टर्मिनल के ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ पे पोजीशन में भी कुछ नहीं है, जीरो दिखा रहा है। ऑल पोजीशन में भी जाते हो यहाँ पे भी कुछ नहीं, ऑर्डर्स में जाते हो यहाँ पे भी कुछ नहीं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग, नहीं तो कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सेम ट्रेड मैंने यहाँ पे लिए बट जीरोधा में सेल किया और यहाँ पे बाई किया, अपोजिटली जो चला उसका दिखाओ, वैसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये प्राइस एक्शन क्या कैसे चल रहा है वो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी आज मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये क्या क्या सेटअप यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हुए थे और क्यों मैंने इसमें एंट्री ली हुई थी। और एज पर स्टॉक सिलेक्शन की अगर बात करते हैं, तो एक मेथड के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ स्टॉक सिलेक्शन के। जैसे ही मेरे को उसके कुछ रिजल्ट्स आएंगे सामने प्रॉपर, तो वो मेथड भी मैं सुन आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।